प्रियंका सिंह 255 में आप लोगों का स्वागत है। मैं प्रियंका। वैसे आप लोग को हेडिंग से पता चली गया हो कि आज का टॉपिक मेरा क्या है। जी हाँ, मैं आज जो मस्करा का रिव्यू देने वाली हूँ वो भी लक्मे का। वैसे मैंने बहुत सारे ब्रांड के मस्करा यूज किए हैं, लेकिन मैं ये लक्मे का जो ये आता है आप आइकॉनिक लक्मे का मस्करा, वो मैं लगभग एक साल से यूज कर रही हूँ और ये मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने नया परचेस किया था। तो मैंने सोचा चलो इस पर एक रिव्यू बना देती हूँ। तो इसका पैकेजिंग इस तरह से आता है, आप देखिए। ये टोटली डार्क कलर का होता है, पूरा ब्लैक, डार्क ब्लैक होता है ये ब्लू। और ये मेरा कैमरा क्वालिटी शायद उतना अच्छा नहीं है, जितना डार्क है उतना शायद शो नहीं कर रहा है। और ये जो ये है ना, आपको पूरा डार्क डार्क में आता है और इधर लाइटली आइकॉनिक लिखा हुआ है। पीछे में सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आपको किस तरह यूज़ करना है, पहले कहाँ अप्लाई करना है, कैसे रिमूव करना है। और सबसे अच्छी बात है ये मेड इन इंडिया है और मैंने इसे 450 में परचेस किया है कॉस्मेटिक शॉप से। अगर आप ऑनलाइन परचेस करते हैं तो आपको कम में भी मिल जाएगा, 350 और 400 ऐसे करके कुछ मिल जाएगा। अलग अलग ऐप पे अलग अलग प्राइस होते हैं, थोड़ा बहुत डिस्काउंट के वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाते हैं प्राइस। और इसका यूज़ भी फॉर 11:22, ठीक है। तो इसके लिए काफ़ी टाइम रहता है जो एक्सपायरी होने का, तब तक ये ख़त्म भी हो जाते हैं। और ये इसके पीछे ये जहाँ पे मस्करा यहाँ पे सेट किया हुआ है, इसके पीछे यहाँ पे कट का निशान होता है, ये भी एक प्रूफ रहता है कि ये रियल मस्करा है, ये डुप्लीकेट नहीं है। और जो डुप्लीकेट आते हैं ना, वो पूरा फ्लैट रहते हैं, ऐसा कुछ कट वगैरह नहीं लगा रहता है। तो आप इस सब बात का ध्यान रखिए। आप डुप्लीकेट, आपको अगर ये मस्करा मार्केट में है उसका पहचान करने के लिए, सब उतना डार्क नहीं होता, थोड़ा लाइटली रहता है। और पैकेजिंग भी आपको देख के इसका पैकेजिंग थोड़ा कड़क है, क्वालिटी अच्छा है। अगर आप डुप्लीकेट परचेस करते हैं, वैसे तो कोई जानबूझ के डुप्लीकेट नहीं लेता है, लेकिन ठगे बहुत सारे ऐसे ठगी हैं जो डुप्लीकेट भी प्रोडक्ट रियल करके बेचते हैं। तो उसका पैकेजिंग भी लूज रहता है, कम दाम का उसका पैकेजिंग रहता है। ऐसे करोगे तो ये मूव होता है, ये देखिए एकदम थोड़ा कड़क है। और ये पीछे का जो मैंने डॉट डॉट कट बोला था वो भी नहीं रहता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ब्लैक लिया है, इसका ब्लू भी आता है और मैंने अभी ब्लू वाला यूज़ नहीं किया है, मैंने अभी ये यूज किया। तो चलो मैं इसे रिमूव करती हूँ उसके पैकेट से। जो कट है ना, आप वहाँ पे थोड़ा फोर्स करेंगे तो निकल जाएगा, देखिए। ये रहा, इसमें सिर्फ आइकॉनिक लिखा हुआ रहता है और नीचे लक्मे कर्लिंग मस्करा और कुछ यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं किया हुआ रहता है, ये सिर्फ लक्मे आइकॉनिक कर्लिंग मस्करा। और इसके पीछे साइड में यहाँ पे इसका कोड लिखा हुआ रहता है और एक्सपायरी डेट लिखा हुआ रहता है। ओके, अब हम इसे ओपन करते हैं। ये रोलर टाइप का है, आपको घुमाना पड़ेगा तब ये खुलेगा। वाह, आप देखिए कितना ब्लैक दिख रहा है, बहुत डार्क है। और इसका ब्रश है ना, थोड़ा ऐसे कर्ल है और यहाँ पे बड़ा बड़ा, यहाँ पे बड़े ब्रश है, यहाँ पे छोटे छोटे ब्रश है। जो हम ऐसे अप्लाई करेंगे ना, तो हमारे जो आईलिड होते हैं यहाँ पे बड़े रहते हैं और यहाँ के पलक छोटे छोटे रहते हैं और जो साइड में बड़े रहते हैं, तो उसी हिसाब से उसी को ध्यान में रखते हुए इस ब्रश को बनाया गया है। जो हम लोग ऐसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो बड़े ब्रश है वो बड़े आईलिड को कर्ल करेंगे और यहाँ पे जो छोटे छोटे हमारे आंखों के कॉर्नर में जो छोटे छोटे आईलिड होते थे उसको ये कर्ल करने में बहुत इजी भी होता है और बहुत आसानी से भी हो जाता है। और ये बहुत अच्छे से आराम से अप्लाई होता है। आपको बार बार, आपको इस मस्करा के लिए आपको एक बार डिप करके आप एक बार में अपर एंड लोअर साइड में आप अप्लाई कर सकते हैं, उस वही काफ़ी होता है। आपको दो बार तीन बार डबल कोट ट्रिपल कोट मारने की ज़रूरत नहीं है, ये एक कोट से ही काफ़ी है, एक कोड ही काफ़ी है आपके लिए। और ये बहुत ट्रैवलिंग फ्रेंडली है क्योंकि ये अच्छे तरह से रोलर होके अच्छे तरह से ये बंद हो जाता है और ये ज़्यादा लिक्विड भी नहीं है। ये थोड़ी कुछ मस्करा होते हैं ना पूरा लिक्विड होते हैं, ये उतना लिक्विड नहीं है, आप देख रहे हैं कोई लिक्विड नहीं है। ये थोड़ा ठीक फॉर्मूला से बनाया हुआ है, ये ठीक है। और आप इसे आराम से अपने पर्स में रख सकते हैं, कोई भी कहीं से भी ये लीक होने का कोई टेंशन नहीं रहता है। ये पूरी तरह
ट्रैवलिंग फ्रेंड है। अब हम ये मस्करा को अप्लाई करके दिखाएंगे। मैंने अपने आँखों में सिर्फ काजल भी उतना नहीं लगाया, बस मैंने लाइनर लगाया है, मस्करा अप्लाई नहीं किया है। अब मैं आपको इसे यूज करके ट्राई करके दिखाती हूँ। उसके पहले, कोई भी मस्करा लगाने के पहले आप एक कर्लर जरूर यूज करें। वैसे कर्लर यूज करने से क्या होता है ना, हमारे जो आईलिड होते हैं थोड़ा कर्ल हो जाते हैं, उसके ऊपर मस्करा लगता है तो हमारा जो आईलिड होता है कर्ली भी दिखता है और थोड़ा हेवी भी दिखता है और बड़ा भी दिखता है। तो आप कोई भी मस्करा यूज कर रहे हैं, आपकी जो, ये मेरा फेवरेट है, आपका जो फेवरेट है, तो आप कोई भी मस्करा यूज़ करते हैं ना, आई कलर जरूर एक बार पहले आई कलर को यूज़ करें, उसके बाद मस्करा आप लगाएं। ये मैंने अमेजन से मंगाया था, आप अगर लेना चाहें तो अमेजन या फ्लिपकार्ट में आप सर्च कर सकते हैं। अब मैं इसे पहले ट्राई करूँगी। आप कोई भी आईलिड कलर ऐसे यूज करते हैं तो आपको ऐसे करके थोड़ा देर रुकना है, आपको ऐसे करके छोड़ना नहीं है, आपको थोड़े देर होल्ड करना है, तभी ये काम करेगा। आप देख रहे हैं बिना मस्करा का ही मेरा कर्ल थोड़ा दिख रहा है। अब मैं इसमें मस्करा अप्लाई करूँगी। याद रहे, आप कभी भी मस्करा अप्लाई करते हैं तो पहले अपर करें तब लोअर करें। उसके पहले आप कोई भी मस्करा ऐसे, पहले हम लोग ऊपर की तरफ अप्लाई करते हैं तब नीचे करते हैं, और ऐसे ही करना भी चाहिए। लेकिन मैं क्या बोलती हूँ, अपर अप्लाई करने के पहले आप आँखों को थोड़ा क्लोज करें, आपको ऐसे अप्लाई करना है। आप जब ऊपर ऐसे से कोड लगा लिए, उसके बाद आपको अपने आँखों के जो आईलिड होते हैं ना, उसको ब्रश को इसे अप्लाई करके हल्के हल्के से हिलाते हुए लगाना है, हल्की हल्की। ये जो ब्रश के जो ऐसे कर्लर है ना, जब हम लोग एक बार ऐसे कर अप्लाई करते हैं ना, तो ये मेरे स्टार्टिंग जो होते हैं नाई के, जहाँ पे छोटे छोटे आईलिड होते हैं छोटे छोटे, ये उसको भी कर्ल करता है, उसको भी ये ब्लैक करता है, और वो भी हमको दिखने लगता है। जो हमारे छोटे छोटे होते हैं ना, जो दिखते नहीं है, नॉर्मली नहीं दिखते हैं, जब आप इसे अप्लाई करते हैं तो वो भी एक अच्छे खासे शेप में आ जाता है और हमारे आंखों को बहुत सुंदर शो करता है। आप देख रहे हैं, मैंने इस आँखों में अप्लाई किया है, देखिए अपर साइड में, और इसमें मैंने कोई मस्कारा नहीं लगाया है, आपको अंतर दिख रहा होगा। अब मैं नीचे वाले आईलिड में अप्लाई कर रही हूँ। आप फर्क दिख रहे हैं, मेरा इस आँखों का आईलेसिस उतना नहीं दिख रहा है, ये कितना मेरा थोड़ा लेंथ भी बड़ा लग रहा है इसका, और थोड़ा घना भी दिख रहा है, और ब्लैक जूम नहीं हो रहा है मेरा कैमरा, जो मैं अच्छी तरह दिखाऊँ आपको, लेकिन आपको फ़र्क दिख रहा है। इस आँखों में मैंने अप्लाई किया है, इस आँखों में मैंने मस्करा अप्लाई नहीं किया है, तो आप फर्क देख रहे हैं। अब मैं दूसरी आँखों में भी अप्लाई करती हूँ, तो मेरा फेस अजीब सा लग रहा है। आप देख रहे हैं, एक आंखों में मैंने मस्करा अप्लाई किया है, इसमें नहीं अप्लाई किया, आप कितना फर्क देख रहे हैं मेरे आंखों का। अब मैंने दोनों आंखों में अप्लाई कर लिया है, आप फर्क देखिए इसके पहले कैसे था, और मेरे आईलिड कितने घने और अच्छे लग रहे हैं, और थोड़ा बड़े बड़े भी दिख रहे हैं, और ये मेरा फेवरेट हो चुका है। मैंने बोला पहले ही, मैंने बहुत सारे मस्करे यूज किए हैं, लेकिन ये मैं कंटिन्यू कर दिया है, मैं कंटिन्यू यूज करती हूँ एक साल से। तो आपको, अगर आप ये लेने के लिए सोच रहे हैं तो आप आराम से ले सकते हैं, ये मुझको लगता है कि इससे आपको कोई शिकायत नहीं होगी और ये आपको भी पसंद आएगा। लेकिन इसका क्या है ना, ये वाटरप्रूफ नहीं है, आप बस ये एक माइनस पॉइंट है, मुझको थोड़ा वाटरप्रूफ रहता तो अच्छा रहता, लेकिन बाकी ओवरऑल मुझे बहुत पसंद है।
इसका इसको रिमूव करना भी बहुत आसान है। आप किसी भी कॉटन से मेकअप रिमूवर लेके आप इसको रिमूव कर सकते हैं, बहुत आसानी से ये रिमूव हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे मस्करा होते हैं ना जो अप्लाई करने के बाद या दो दिन बाद या जब ड्राई होते हैं तो इतने कड़क हो जाते हैं या हमारे आईलिड ही टूट के गिरने लगते हैं। तो इससे ऐसा कोई प्रॉब्लम मेरे साथ तो नहीं हुआ है, मुझको नहीं लगता कि आप लोग के साथ भी होगा। ये मस्करा मुझे बहुत अच्छा लगा, अगर आप लेने के लिए सोच रहे हैं तो आप भी एक बार जरूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ ये आपको भी बहुत पसंद आएगा, इससे आपको कोई शिकायत नहीं होगी और ये आपका भी फेवरेट हो जाएगा। मुझको लगता है अगर आप एक बार ट्राई करते हैं तो ये आपका भी फेवरेट होने वाला है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। फिर मिलती हूँ मैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।